नमस्कार लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आए दिन लूट हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अपराधी इतने बेखौफ हो जा रहे हैं कि किसी चीज का भी उन्हें डर भय नहीं दिख रहा है और दिन दहाड़े हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं, लूट पाट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला बिहार के कटिहार से सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने भाजपा नेता को अपना निशाना बनाया है। जी हाँ, ये घटना दरअसल आज सुबह यानी कि सोमवार की सुबह की है, जब कटिहार के भाजपा नेता संजीव मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद काफी संख्या में ग्रामीणों, स्वजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काफी ज्यादा गुस्सा है और इसको लेकर सड़क पर भी ये सभी उतर आए हैं। और बता दें कि संजीव मिश्रा जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं और इस घटना के विरुद्ध में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें तो कटिहार तेलता ओपी अंतर्गत तेलता बाजार में अज्ञात अपराधियों ने बीजेपी नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा की सोमवार की सुबह यानी कि आज सुबह सुबह गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपराधियों ने उन पर कई फायरिंग की। पूर्व जिला परिषद सदस्य को उनके घर के समीप ही गोली मारी गई। उसके पहले भी उन पर दो बार जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन वो उस समय बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पे पहुंची है। पुलिस उग्र लोगों को समझा रही है, साथ ही मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में पूछताछ भी कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टास्क फोर्स का गठन किया है। यानी इस तरीके से साफ तौर से दिख रहा है कि भाजपा के जो बड़े नेता है संजीव मिश्रा, उन पर इस बार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया है और उन पर करीब ताबड़तोड़ फायरिंग की और अंततः गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बता दें आपको कि यह पहली दफा नहीं हुआ जब ऐसी कोशिश की गई, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, बल्कि पहले भी दो बार ऐसा हो चुका है कि जो भाजपा नेता है संजीव मिश्रा, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है और अंततः अपराधियों ने फिर से एक बड़े घटना को अंजाम दिया है और भाजपा नेता संजीव मिश्रा को इस बार निशाना बनाया और दिन दहाड़े गोली मारकर आज सुबह सुबह उनकी हत्या कर दी। जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, आसपास के ग्रामीण और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो सभी काफी ज्यादा उग्र दिख रहे हैं और साफ तौर से वो सभी जो है वो सड़क पर उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस इस तमाम चीजों के बारे में जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। और बता दें कि इस पे जो टास्क फोर्स है, उन्हें भी पुलिस के द्वारा जो है वो लगाया गया है। और अंततः आखिर क्या कारण था, क्यों भाजपा नेता की हत्या की गई, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।